Hello friends, welcome back to my channel. This is Amrit and you're watching my channel Amrit's Raha Aaj. So today we are going to do some idioms for speaking. So आज हम idioms करेंगे जो कि speaking में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. मैं ये नहीं कहती कि हमें idioms अगर हम use नहीं करेंगे तो हमारे bands नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है. बट अगर हम idioms use करेंगे तो हमारे bands definitely 8 or 9 band तक हमारा score चला जाता है, ठीक है. क्योंकि idioms use करने थोड़े difficult होते हैं. normally क्या होता है कि जब हम speaking दे रहे होते हैं तो हमारे mind में नहीं आते उस time पर idiom, ठीक है. तो उसके लिए हम वो वाले idiom ही यूज़ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो हम डेली अपने रूटीन में भी यूज़ करते हैं, जो जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम डेली स्पीकिंग करते हैं तो उसके उसमें जो हम idioms यूज़ करते हैं, हम वो वाले idioms ही है जो यूज़ करेंगे, ठीक है. ओके, सो आर फर्स्ट idiom इज़ ओवर द मून. ओके, ये हम बहुत ही बेसिक जो idiom है जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ओवर द मून का मतलब क्या होता है कि वेरी एक्साइटेड, ठीक है. जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हम कहते हैं कि हम ओवर द मून हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, She was over the moon when she got first prize in her class. कि वो over the moon थी जब उसने अपनी क्लास में first prize get किया था, ठीक है. So ये बहुत ही simple है, ये हम अपने daily routine में भी use कर सकते हैं ताकि हमें वो हमें हमारे mind में वो रहे चीज़, हम कभी भी उसको भूले नहीं, ठीक है. Okay. So our next number 2 जो idiom है that is my hands are full. So ये भी बहुत ही ज़्यादा easy idiom है. my hands are full का means क्या हो गया होता है कि means too busy, बहुत ज़्यादा busy होते हैं जब हम, तो तब हम बोलते हैं कि my hands are busy. जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, इसकी हम क्या example ले सकते हैं, like we can say my hands are full today due to exam. okay, आज मेरे एग्ज़ाम की वजह से मेरे हैंड्स जो फुल हैं, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ एग्ज़ाम की वजह से. ओके, सो ये भी बहुत ही सिंपल है. आप अच्छी तरह से इसको मतलब क्रैम इस ये सभी जो भी idioms मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है. क्योंकि आप ये जो भी अपनी डेली लाइफ में जो किसी से बात करते हैं, स्पीकिंग देते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजी हैं ये, ठीक है. ओके ओके, हमारा जो थर्ड idiom है दैट इज़ डाउन टू अर्थ. ये देखो, ये भी हम कितना यूज़ करते हैं, डाउन टू अर्थ कितना यूज़ करते हैं. दैट मीन्स प्रैक्टिकल और फ्रेंडली. कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है या फ्रेंडली होता है तो उसे हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ. लाइक जब हम किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं या फिर कुछ कोई किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, लाइक ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. सो ये तो हम बहुत ही ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, ठीक है. सो ये हमारे माइंड में भी अच्छी तरह से रह जाएगा. ओके, और नेक्स्ट idiom इज़ I am in two minds का क्या मतलब होता है कि जब हम कन्फ्यूज होते हैं कि हम एक साइड में हों या फिर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम किस ऑप्शन के साथ जाएं, तो हम बोलते हैं तब उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं हम, आई एम इन टू माइंड्स. ओके, ऑन द वन हैंड ये डैश डैश डैश, ओके, ऑन द अदर हैंड डैश डैश डैश. ओके, मैं उसके साथ भी एग्री हूँ और मैं इधर भी एग्री हूँ, तो मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो तब हम क्या बोलते हैं, आई एम इन टू माइंड्स. ओके, so our next idiom is once in a while. once in a while that means occasionally. जब भी हम किसी भी ऐसे टॉपिक की में बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे हमने बोलना होता है कि occasionally मैं ये करता हूँ, occasionally मैं वो करता हूँ, तब हम ये idiom use कर सकते हैं, ठीक है. once in a while, for example we can say once in a while I eat junk food. okay, तो मैं usually कभी तो मैं कभी कभी जो junk food है जो eat करता हूँ, ठीक है. इसका मतलब होता है कभी कभी. ओके, आर नेक्स्ट idiom दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी, दैट इज अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है, वेरी इजीली, सॉरी, वेरी ईजीली. अ पीस ऑफ केक मीन्स वेरी ईजीली. जब भी हमने बताना हो कि ये काम तो मैं बहुत ही ज़्यादा ईजीली कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हम क्या कहेंगे, दैट वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी. लाइक अगर हमने कहना हो ये एग्ज़ाम को पास करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, टू पास दिस एग्ज़ाम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी. ओके, इस एग्ज़ाम को पास करना क्या है, मेरे लिए एक पीस ऑफ केक की तरह है, ठीक है. ओके, so our next idiom is as fit as fiddle. as fit as fiddle क्या मतलब क्या होता है
कि हेल्दी होना, ठीक है, मतलब जब हम किसी हेल्दी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं एज फिट एज फिडल। लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी अपने आप को रखती है, शी इज़ एज फिट एज फिडल। सो हमारे क्यू कार्ड में बहुत सारे ऐसे जो पर्सन के बारे में आते हैं, हमारा फेवरेट पर्सन, फेमस पर्सन, ठीक है, उन सब क्यू कार्ड्स में ये वाला जो ईडियम है हम यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन, ही इज़ एज फिट एज फिडल। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। आर नेक्स्ट एंड लास्ट ईडियम इज़ फॉर गुड। ये वर्ड अभी हम ये इसका मीनिंग होता है फॉर एवर। फॉर एवर वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू से कि वो कैनेडा चला गया, बट वो हमेशा के लिए कैनेडा चला गया, ठीक है, ही हैज़ मूव्ड टू कैनेडा फॉर गुड, वो हमेशा के लिए ही। आप अगर हमने क्या यूज़ करना था, ही मूव्ड टू कैनेडा फॉर एवर, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही मूव्ड या फिर ही हैज़ मूव्ड टू कैनेडा फॉर गुड। ओके, सो के वो हमेशा के लिए जो कैनेडा चला गया। ओके, सो ये जो ईडियम्स हैं ये वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ईडियम्स हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, माइंड में रखनी है अपने। सो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप डेली जो किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो तो या फिर जब भी स्पीकिंग करते हो डेली इनको यूज़ किया करो, ताकि आपके माइंड में ये हमेशा के लिए रहें, ठीक है, आपको इसको इसकी क्रैमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में जब आपको एग्जामिनर कोई भी क्यू कार्ड देगा, आपको अपने आप ही ये वर्ड्स याद आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको सभी को ईडियम्स जो समझ आ गए होंगे। अगर किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आया, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और वन मोर थिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है आपको, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब के बटन पर आप क्लिक करो और बेल बटन दबाएं, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन अच्छी अच्छी वीडियोस जो यूज़फुल वीडियोस जो आपको प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी इंडिविजुअल स्पीकिंग क्लासेस चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो मेरे ये दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।